स्टूडेंट, वेलकम टू यू ऑल इन YCS ऑफ सुल्तानपुर। टुडे आई विल डिस्कस ऑन द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, आपका टाइम ना लॉस करते हुए, गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम। What is the requirement of Gauss theorem? The requirement of Gauss theorem is the explain to electric force, potential difference and electric field due to distributed charges. Before this chapter, you have known about to electric force, electric field and electric potential due to point charge. But under this chapter you will read the value of electric force, the value of electric field and the value of potential difference due to distributed charges, charge distributed on any surface of conductor or any metallic sheet or non-metallic sheet or non-metallic sphere, charge ke distribution ke due to electric field, electric potential or electric force ka explanation Gauss theorem karta hai. Gauss theorem is a important chapter of electrostatics. This is a very important chapter of electrostatics. Gauss theorem is a important chapter of electrostatics. As you know that electrostatics is the sub branch of electronics under which you study about to stationary charges and being interaction between stationary charges. So as you know that electric field and Coulomb's law, electric potential, Gauss theorem, electric capacitance are the chapters of electrostatics. Electrostatics ke antargat ye 3 or 4 chapters launch kiye gaye hain government ke behalf se physics mein. तो गॉस थ्योरम इज ए इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड द फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस चैप्टर इज एरिया वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर? गॉस थ्योरम को एक्सप्लेन करने से पहले कुछ कंपोनेंट के बारे में स्टडी कंपलसरी हो जाती है। ये ऐसे कंपोनेंट हैं जैसे एरिया वेक्टर, प्लेन एंगल, क्यूब एंगल, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आर द कंपोनेंट्स ऑफ गॉस थ्योरम्स चैप्टर। गॉस थ्योरम के चैप्टर को जानने के लिए, गॉस थ्योरम को डीप में जानने के लिए कुछ फैक्टर के बारे में प्री प्लानिंग के तहत हम आपको डिस्कशन कर लेना चाहिए। और उस डिस्कशन की पहली कड़ी में जो पहला टॉपिक है वो है एरिया वेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर? देखिए, इफ यू लुक केयरफुल्ली देन यू विल गेट दैट दिस इज ए ग्रीन बोर्ड एंड हमारे हैंड के मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट हमारे हैंड का जो मूवमेंट हो रहा है, दिस इज द प्लेन डायरेक्शन ऑफ ग्रीन बोर्ड, प्लेन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड। ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का प्लेन का डायरेक्शन है, प्लेन डायरेक्शन। व्हाट इज द प्लेन? प्लेन इज द सेट ऑफ सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मींस हो गया, यदि इस बोर्ड का सरफेस एरिया निकालें तो लेंथ इनटू ब्रेथ, तो ये जो टू डायमेंशनल हमें एक प्रकार का रिजल्ट मिल रहा है लेंथ इनटू ब्रेथ से, ये 2D जो हमें रिजल्ट मिलेगा इसका सरफेस एरिया बताएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड।
यस, इस सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर, सरफेस एरिया इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर जो हम एक वेक्टर ड्रा करेंगे, जो वेक्टर लाइन ड्रा करेंगे, इसी वेक्टर लाइन को सरफेस एरिया, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर ड्रान वेक्टर लाइन को हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर कहेंगे। सो यू कैन से दैट एरिया वेक्टर को कैसे आप डिफाइन करेंगे यहां पे कि ड्रान वेक्टर लाइन द परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस एरिया, सरफेस एरिया आर प्लेन, आर प्लेन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट, लेट दैट ओवर हियर ए ऑब्जेक्ट इज गिवन, फॉर एग्जाम्पल दिस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड इज ए ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट का ये सरफेस एरिया या प्लेन है, इसे सरफेस एरिया डायरेक्शन या प्लेन कहेंगे, और प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर लाइन होगा उसे हम क्या कहेंगे, एरिया वेक्टर। यू कैन से ड्रॉन ए वेक्टर लाइन द परपेंडिकुलर ऑफ सरफेस एरिया आर प्लेन ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर। थ्रो द फिगर, लेट दैट दिस इज ए सेलेक्टेड स्पेस आर प्लेस, इतना प्लेस हम सेलेक्ट कर लिए यहां पे, बहुत बड़ा हो गया तो छोटा करें, ये सेलेक्टेड प्लेस दिस, ओके यस, एंड सेलेक्टेड प्लेस का ये जो है दिस डायरेक्शन इज, ये एरिया को इंडिकेट कर, ये एरिया एरिया, दिस इज द एरिया ऑफ दिस लूप, इस लूप का, इस प्लेस का ये एरिया, एरिया डायरेक्शन, यस एरिया डायरेक्शन ए है, और इसके परपेंडिकुलर लाइन यदि हम इस डायरेक्शन में ड्रा करें, इसको ये है, ये दिस इज एरिया, अमाउंट ऑफ द एरिया ऑफ दिस प्लेस, और इस डायरेक्शन में हमें, यू हैव नो दैट यदि किसी स्केलर को, ए एक स्केलर क्वांटिटी है, यहां पे स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ए इज द अमाउंट ऑफ आर वैल्यू ऑफ एरिया, वैल्यू ऑफ एरिया, यू नो दैट इफ यू वांट चेंज इन वेक्टर टू एनी स्केलर क्वांटिटी देन व्हाट यू विल डू, जब आप किसी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करना चाहते हैं तो उस स्केलर क्वांटिटी को हम एक इमेजिनरी यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यू नो दैट एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की एलॉन्ग यूनिट वेक्टर का जो इमेजिन किया गया है आई कैप, आई कैप एंड वाई एक्सिस के लांग जे कैप एंड जेड एक्सिस के लांग के कैप,
एक्स एक्सिस के एलांग यदि एक्स एक्सिस में डिस्टेंस को हम वेक्टर में चेंज करना चाहें यू कैन राइट दिस वेक्टर एक्स इक्वल टू आई कैप इनटू एक्स व्हेयर एक्स इज द डिस्टेंस एलांग द एक्स एक्सिस एंड आई कैप इज द यूनिट वेक्टर एलांग द एक्स एक्सिस एंड वेक्टर एक्स इज the vector distance which is called to displacement of x axis. तो displacement vector है, x distance है, तो distance को अगर displacement में हमें change करना है तो उस smaller distance में हम उस direction के unit vectors multiply करेंगे तो जो result मिलेगा वो हमें vector result मिलेगा. तो the help of this example you can say that एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी. ये एरिया है, एरिया को हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है. इसके लिए हम लेट करेंगे कि इस पूरे एरिया के प्लेन का इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लेट दैट द यूनिट वेक्टर आप दिस प्लेन आप दिस प्लेन आर सरफेस इज एन कैप लेट दैट कि इस पूरे सरफेस का सेट प्लेन होता है. प्लेन इज द सेट ऑफ सरफेस. जो सरफेस का प्लेन है और प्लेन डायरेक्शन है, मतलब कि इसके प्लेन का जो यूनिट वेक्टर है वो एन कैप है. सो द एरिया वेक्टर ए इक्वल टू इस डायरेक्शन का, इसी डायरेक्शन में इस प्लेन का यूनिट वेक्टर एन कैप भी हमने कंसीडर किया है. तो एन कैप इज ए इमेजिनरी यूनिट वेक्टर ऑफ दिस प्लेन. और जिस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है उसी डायरेक्शन में हम स्केलर वेक्टर को अगर हम वेक्टर में चेंज करना चाहें, स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में अगर चेंज करना चाहें तो यू कैन राइट दिस वेक्टर इक्वल टू एन कैप इनटू ए इज द वैल्यू आर स्ट्रेंथ ऑफ एरिया. एन कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ गिवन प्लेन आर सरफेस. गिवन प्लेन आर सरफेस में एन कैप का डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के परपेंडिकुलर. वेक्टर ए का भी डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के परपेंडिकुलर. सो द वेक्टर ए इक्वल टू एन कैप इनटू ए. तो इस मैथमेटिकल पोर्शन से आप इस पूरे फैक्टर को समझ सकते हैं कि एरिया वेक्टर ऑलवेज रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया आर प्लेन. सरफेस एरिया आर प्लेन किसी भी स्केलर क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी में चेंज करने के लिए हम जिस डायरेक्शन में हमें वेक्टर को पाना होता है उस डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर कंसीडर करते हैं. और यूनिट वेक्टर इनटू मॉडुलस अगर हम करेंगे तो हमारे हाथ क्या लगेगा? वेक्टर क्वांटिटी लगेगी. एज दिस एग्जाम्पल लेट्स नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज एंगल ऑफ प्लेन. सेकंड टॉपिक एंगल ऑफ प्लेन. व्हाट इज द एंगल ऑफ प्लेन. लेट दैट दिस इज ए आर्क आर कर्व. ये कर्व 2D कर्व है. दिस इज ए 2D कर्व. P1 P2 आर 2D कर्व. व्हाट डू यू मीन बाय 2D कर्व? 2D कर्व इज द पार्ट ऑफ अ सर्किल. किसी सर्किल के अगर हम आर्क को अलग अलग ऐसे डिवाइड करें, लेट दैट दिस इज ए सर्किल.
and this is the partial part of circumference P1, P2, P3, P4, P5, P6. So P1, P2, P2, P3, P3, P4, P4, P5, P5, P6. All are the component of this complete circle. कंप्लीट सर्किल के सर्कम्फ्रेंस का ये जो कंपोनेंट दिख रहा है P1, P2, P2, P3, इसे आर्क बोलते हैं. आर्क आर्क तो आर्क जो होगा किसी सर्किल का जो आर्क होगा वो टू डायमेंशनल होता है. आर्क ऑलवेज रिमेन्स टू डायमेंशनल, इसमें टू डी होगा. चाहे ऐसे जैसे आप इस कर पे चलेंगे एक ही टाइम में सिमल्टेनियसली आप टू डायरेक्शन मूव करेंगे लाइक दैट. देखिए ये हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं. तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक मार्कर है ये एक ही टाइम में टू डायरेक्शन मूव कर रहा है, सेम टाइम में टू डायरेक्शन मूव कर रहा है, सेम टाइम में टू फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अपवर्ड डायरेक्शन. इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग इन टू डायरेक्शन विद ए टाइम एट ए टाइम, ये एक ही टाइम पर कोई ऑब्जेक्ट टू डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है तो इस प्रकार के वेरिएबल को या इस प्रकार के पैरामीटर को हम टू डायमेंशनल पैरामीटर कहते हैं. तो सर्किल पर अगर आप मूव कर रहे हैं, सर्किल के सर्कमफ्रेंस के लॉन्ग अगर आप मूव कर रहे हैं तो आपका जाहिर सी बात है मोशन टू डायमेंशनल है. तो ये जो आपका 2D कर्व है इसे हम क्या कहेंगे, 2D कर्व. गुड. 2D कर्व किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करता है, 2D कर्व किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करता है मेरे भाई उसी एंगल को हम एंगल ऑफ प्लेन कहते हैं, एंगल ऑफ प्लेन. चूंकि ये जो डेल्टा थीटा है ये इस इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड के प्लेन में है, इसकी कोई थिकनेस नहीं है, मात्र एक लोकस है, एक डायग्राम है. इससे हम केवल एक फील कर सकते हैं, देख सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम इसको ऐसे कोई अंधा, अगर हम अंधे होते और हमसे कोई पूछता ब्लाइंड होते कि सर कितना क्या ये कैसा स्ट्रक्चर है, तो हम इसको स्पष्ट टच करके नहीं बता सकते थे कि यहाँ एंगल बना है, क्या स्ट्रक्चर है, कुछ बता नहीं सकते हैं. क्योंकि ब्लाइंड व्यक्ति केवल 3D को ही टच करके कुछ बता सकता है, 2D पे उसका कोई इफेक्ट या 2D उसके हैंड के टच पर कोई इफेक्ट नहीं डालता है, एज नो दैट. तो P1 P2 इज ए टू डायमेंशनल कर्व. टू डायमेंशनल कर्व किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करता है उसी को हम कहेंगे एंगल ऑफ प्लेन. तो यू कैन राइट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ प्लेन. आप कह सकते हैं सबटेंड एंगल एट एनी पॉइंट बाय एनी 2D कर्व बाय एनी 2D कर्व. 2D कर्व आर आर्क subtend angle at any point, subtend angle at any point by any 2D curve or arc is called angle of plane, angle of plane. Or you can say that subtend angle at the center of circle, subtend angle at the center of circle by arc of circle,
subtend angle at the center of circle by arc of circle is called to angle of plane. यहाँ पे डेल्टा थीटा कहिए या डेल्टा थीटा इसे कहिए, पी वन पी टू जो है ये इसी सर्किल का एक पार्शियल आर्क है, ये पार्शियल आर्क पी वन पी टू वो पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है इसी एंगल को हम कहेंगे क्या, इसी एंगल को हम कहेंगे प्लेन एंगल या एंगल ऑफ प्लेन. लेट दैट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी वन एंड ओ एंड पी टू व्हिच कॉल्ड टू रेडियाई आर रेडियस ऑफ कर्व. लेट दैट द रेडियस ऑफ कर्व पी वन पी टू इज आर. द रेडियस ऑफ कर्व पी वन पी टू, द रेडियस ऑफ कर्व पी वन पी टू इज आर. सो द रिलेशन बिटवीन आर्क आर कर्व, यू कैन से दिस आर्क आर्क आर्क. रिलेशन क्या, व्हाट इज द रिलेशन, डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क, पहले इसको ऐसा हम आपको बताएं, शो एंगल, दिस इज द ओल्डेस्ट फार्मूला, यू हैव नोन अबाउट टू दिस फार्मूला इन पास्ट क्लासेस, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, एंगल इक्वल टू आर्क बाई रेडियस. सो डेल्टा थीटा इक्वल टू आर्क पी वन पी टू अपान रेडियस इज स्मॉल आर. अच्छा, इफ यू लुक केयरफुल्ली देन यू वॉन्ट टू नो अबाउट टू व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, एज यू नो दैट व्हाट पी वन पी टू यदि आर्क यही कंप्लीट हो जाए, यदि यही पी वन पी टू आर्क को हम कंप्लीट कर दें, पी वन पी टू एक कंप्लीट आर्क कर देंगे, एक आर्क कंप्लीट हो जाएगा तो एक कंप्लीट आर्क प्रोवाइड टू अस ए सर्किल, एक कंप्लीट आर्क प्रोवाइड टू अस ए सर्किल. एक जो कंप्लीट आर्क होता है वो हमें सर्किल प्रोवाइड करता है, ये सर्किल है, छोटा हो गया हमारा, टेढ़ा हो गया है, ये मैनुअल फॉल्ट है, इसे आप ज्यादा माइंड नहीं करेंगे. तो P1 P2 आर्क को कंप्लीट कर दें ऐसे, तो कंप्लीट आर्क जो होगा ये क्या हमें एक सर्कमफ्रेंस को प्रोवाइड करेगा और जिसके थ्रू हमें एक सर्किल ऑब्टेन हो जाएगा. तो P1 P2 बिकॉज डेल्टा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क, डेल्टा थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ आर्क एंड यू आर गोइंग टू नो अबाउट टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, तो यहां पे गैपिंग है, यहां पर हम बताना चाहेंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्लेन एंगल, लुक हियर प्लेन एंगल, बिकॉज प्लेन एंगल का जो वैल्यू है डिपेंड करता है लेंथ ऑफ आर्क के. किसी सर्किल का जो मैक्सिमम लेंथ हो सकता, आर्क की जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है वह सर्कमफ्रेंस की इक्वल हो सकती है, और क्या हो सकती है. व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ, मैक्सिमम लेंथ डेल्टा थीटा, और डेल्टा थीटा को हम थीटा मैक्स इक्वल टू मैक्सिमम आर्क जो होगा 2πr इक्वल अपान आर 2πr. P1 P2 P1 P2 P2 P3 P3 P4 means circle का circumference is the sum of arc, sum of arc. ये arc को हम ऐसे छोटे छोटे arc को इस प्रकार से add करते जाएं, P1 P2 P1 P2 P, सारे आर्क को ऐड कर देंगे तो हमारा सर्कमफ्रेंस बन जाएगा. और ये कंप्लीट आर्क हमें कितना डिस्टेंस देगा, एक कंप्लीट आर्क हमको 2πr डिस्टेंस देगा, क्योंकि कंप्लीट आर्क हमें एक कंप्लीट सर्किल को प्रोवाइड करता है और कंप्लीट सर्किल का जो सर्कमफ्रेंस होता है वो कितना होता है 2πr. बिकॉज यू नो दैट प्लेन ऑफ एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ आर्क,
if length of R will be increased, so the maximum value of plane of angle will be obtained. So theta maximum equal to 2 pi r by r, r and r will be clean bold. So theta maximum equal to 2 pi. So the maximum value of angle of plane becomes 2 pi. Next, what is the unit of angle of plane? जल्दी से इसकी यूनिट, टाइम नहीं गवाएंगे. यूनिट तो एंगल ऑफ प्लेन हैज नॉट एनी फंडामेंटल यूनिट. एंगल ऑफ प्लेन हैज ए सप्लीमेंट्री यूनिट. सप्लीमेंट्री यूनिट एक काम चलाऊ यूनिट होती है, ये कोई फंडामेंटल बात नहीं है. इंटरनेशनल लेवल पे साइंटिस्ट या फिजिसिस्ट लोग मीटिंग करके ये डिसाइड किए हैं कि दो सप्लीमेंट्री, चूंकि हमारे हाथ में दो सप्लीमेंट्री बातें लगी हैं जिसे हम सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, एंगल एंड सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल. सो फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल ऑफ प्लेन एंड सॉलिड एंगल एंड द एंगल ऑफ प्लेन को किस में डिफाइन किया जाए, किस में हम मेजर करेंगे, इसके लिए कहा भैया ठीक है, तब तक के लिए आप इसे रेडियन कहें. रेडियन, रेडियन द एंगल ऑफ प्लेन, यूनिट ऑफ एंगल ऑफ प्लेन इज रेडियन. Unit of angle of plane is radian. That's all this topic. Next. Yes. Next topic. Next, third topic is angle of cube. Angle of क्यूब आर सॉलिड. व्हाट इज द एंगल ऑफ क्यूब? लेट दैट दिस इज ए 3D सरफेस, नॉट 2D. बिफोर दिस टॉपिक यू हैव नोन अबाउट angle of plane. Angle of plane is subtended angle by two dimensional surface, but angle of cube जो है 3D surface से, एक 3D surface है, इसमें हम आपको इसकी thickness नहीं दिखा सकते हैं. बस इतने जानिए कि एक कुल मिला के sphere का कोई part है, ऐसा circle नहीं है, स्फेयर का कोई पार्ट है और यहां पे कोई पॉइंट है रेफरेंस, और दिस एंड दिस लाइक दिस. ये आपका 3D सरफेस एरिया है, 3D सरफेस, 3D सरफेस. और 3D सरफेस आप देखेंगे तो कैसे ये इतना 3D, ज्यादा फिगर को हम इधर उधर डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं. दिस पॉइंट इज ओ. 3D सरफेस पॉइंट ओ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है, जिसे ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, तो 3D सरफेस के थ्रू पॉइंट ओ पे सबटेंड एंगल को एंगल ऑफ क्यूब आर एंगल ऑफ सॉलिड कहते हैं. जबकि ये पूरा एकदम क्लोज, एक बात उसमें और भी, ये क्लोज सर्किट, ये पूरा कर्व का इनसाइड, ओ चाहे प्लेन एंगल हो, पिछली घटना को फिर थोड़ा सा एक बार छूट गई है, प्लेन एंगल के अबाउट बहुत जरूरी सूचना है. प्लेन एंगल में यहां पे जितने एंगल बनेंगे, चाहे वो एंगल ऑफ क्यूब हो चाहे एंगल ऑफ प्लेन हो, ये सब इनसाइड कर्व के इनसाइड बनते. कहां बनते हैं? इनसाइड आप कर्व, इनसाइड आप कर्व. प्लेन एंगल एंड क्यूब एंगल आर सॉलिड एंगल ऑलवेज फॉर्म्ड आर सबटेंड इनसाइड द कर्व, नॉट आउटसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व. इस साइड में ही एंगल ऑफ प्लेन बनेगा. ये P1 P2 आर्क है. P1 P2 क्या है मेरे भाई? आर्क था इसके पहले, यहां पे डेल्टा थीटा. अच्छा,
तो ये जो डेल्टा थीटा को आप सोचे हम नहीं, हम इसको इनसाइड आप कर्व ना बना के आउटसाइड आप कर्व बनाएंगे, P1 P2 के बाहर बनाएंगे, कतई नहीं बना सकते हैं। ऐसे देखिए, डॉट 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 डॉट, ये दोनों जो लाइन है ये कभी एक दूसरे से मीट ही नहीं करेंगे इनफाइनाइट तक। और जब तक ये दोनों लाइनें मीट नहीं करेंगे तब तक कहीं एंगल बनने का कोई चांस ही नहीं बनता। हाँ, इसलिए P1 P2 को ज्वाइन करने वाली लाइन इनसाइड में मीट करेंगी, आउटसाइड में नहीं मीट करेंगी। तो बिल्कुल कंफर्म हो गया कि ये जो एंगल ऑफ प्लेन बनेगा इनसाइड बनेगा, इनसाइड बनेगा। आउटसाइड में एंगल ऑफ प्लेन का वैल्यू क्या होगा मेरे भाई? डेल्टा थीटा इक्वल टू जीरो। डेल्टा थीटा इक्वल टू जीरो कंफर्म बात है कि एंगल ऑफ प्लेन और एंगल ऑफ सॉलिड आल्सो, इसको भी आप बढ़ा के देखें। डॉट 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 डॉट, ये देखिए, ये जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगी ये डॉट 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 करते, ये कभी, जब तक ये लाइनें ज्वाइन नहीं करेंगी, कहीं मीट नहीं करेंगी, तब तक एंगल बनने का कोई चांस नहीं है। तो ये जो आपका कर्व है, जेड जेड डैश कर्व है, एक कर्व का इनसाइड पोर्शन है, एक कर्व का आउटसाइड पोर्शन है। तो ये जो आपका एंगल ऑफ सॉलिड या एंगल ऑफ क्यूब बनेगा, ये कहाँ बनेगा मेरे भाई? इनसाइड ऑफ कर्व, इन साइड ऑफ कर्व, याद रखिएगा, इनसाइड ऑफ कर्व। पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ क्यूब आउटसाइड ऑफ कर्व? तो यू विल रिप्लाई दैट द आउटसाइड वैल्यू जो होगा ओमेगा का, दैट विल बी जीरो, ओमेगा विल बी जीरो। तो ये एंगल ऑफ क्यूब हो, चाहे एंगल ऑफ प्लेन हो या प्लेन एंगल हो, यहां पे इसे सॉलिड एंगल भी लिख सकते हैं। तो प्लेन एंगल कहां बनेगा? इनसाइड ऑफ कर्व, आउटसाइड ऑफ कर्व इसका वैल्यू जीरो। इसी तर्ज पर एंगल ऑफ क्यूब इनसाइड में होगा, इनसाइड में इसका रियल वैल्यू होगा, आउटसाइड में, कर्व के आउटसाइड में एंगल ऑफ सॉलिड का वैल्यू जीरो होगा। नेक्स्ट टॉपिक आगे चलते हैं। देखें इसके बाद ये जाहिर सी बात इनसाइड, इससे अगर हम कर्व को इसे कंप्लीट कर दें ऐसे 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 डॉट 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 डॉट, तो यहां पे एक स्फेयर बन जाएगा। स्फेयर ये याद रखिएगा, ये स्फेयर है, स्फेयर है, और ये किसका पार्ट है मेरे भैया? सर्किल का। सर्किल के पार्शियल आर्क से एंगल ऑफ प्लेन का फॉर्मेशन होता है, और स्फेयर के पार्शियल सरफेस से, स्फेयर के गोले के पार्शियल सरफेस से, गोले के पार्शियल सरफेस से एंगल ऑफ क्यूब का फॉर्मेशन होता है, और सर्किल के यूनिट आर्क से या यूनिट कर्व से, सर्किल के यूनिट कर्व से या सर्किल के पार्शियल कर्व से एंगल ऑफ प्लेन का फॉर्मेशन होता है, और स्फेयर के पार्शियल सरफेस से एंगल ऑफ क्यूब का फॉर्मेशन होता है। गुड, बढ़िया। आगे आप देखें, लेट दैट द रेडियस ऑफ दिस स्फेयर इज आर एंड द सरफेस एरिया। यहां पे थोड़ा सा कंफर्म बात, और इसको डिटेल में हम आपको टीच करना चाहें। हाँ, पहले इसकी डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन में, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एंगल ऑफ क्यूब? तो लिखेंगे आप यहां पे सबटेंड, इनसाइड जरूर लिखना चाहिए, सही बात है, लेकिन बुक वाले नहीं लिखते हैं, लिखना चाहिए, लिखना जरूर चाहिए। सबटेंड, मैं लिख रहा हूं, एंगल एट एनी पॉइंट, सबटेंड एंगल एट एनी पॉइंट बाई एनी 3D, 3D कर्व, 3D सरफेस एरिया कह दीजिए, 3D सरफेस, 3D सरफेस सबटेंड एंगल एट एनी पॉइंट बाई बाई एनी 3D सरफेस टू इनसाइड द
the surface is called angle of angle of solid solid. तो यहां पे inside the surface, inside the surface, ये surface का inside है inside और इस सरफेस का आउटसाइड है. तो हमने बताया कि ये जो एंगल ऑफ सॉलिड है ये सरफेस के इनसाइड की एक कहानी है, आउटसाइड की कहानी नहीं है. तो यहाँ पे इसके लिए डिफिनेशन है, आप इसको जनरल वे में सही कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. कितना बड़ा आप गाना गाएं आप कह सकते हैं कि सबटेंड एंगल एट एनी पॉइंट बाई एनी सरफेस, बाई एनी सरफेस, सरफेस 3D होगा ही, उसे सब जानते हैं. 3D लिखने से थोड़ा कहानी स्पष्ट हो जाती है. तो यू कैन से दैट सबटेंड एंगल एट एनी पॉइंट बाई एनी 3D सरफेस, सरफेस सबटेंड एंगल, सबटेंड एंगल एट ओ पॉइंट आर एट एनी पॉइंट बाई एनी 3D सरफेस, ये 3D सरफेस है. अब आप कहेंगे 3D सरफेस कहां से लाए, लेट दैट दिस इज ए सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये सॉलिड स्फीयर है, टोटल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर है. इस सॉलिड स्फीयर का इतना बड़ा पार्ट आप सेलेक्ट कर लिए तो सॉलिड स्फीयर का हर पार्ट भी 3D होगा, बिकॉज सॉलिड स्फीयर इज आल्सो 3D, 3-dimensional, इसलिए इसका हर पार्ट क्या होगा, 3-dimensional होगा. इसी के अगर अगेंस्ट चले आप, इसी के अगर आप दूसरे साइड में देखें तो सर्किल 2-dimensional डायग्राम होता है, सर्किल जो है 2-dimensional डायग्राम होता है, इसलिए इसके हर पार्ट क्या होंगे, 2D होंगे, हर पार्ट क्या होंगे, 2D होगा. और स्फीयर 3-dimensional स्ट्रक्चर है, 3-dimensional स्ट्रक्चर का हर पार्ट 3D होगा. तो 3D सरफेस किसी पॉइंट पर, 3D सरफेस किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेगा उसे एंगल ऑफ सॉलिड कहेंगे, और 2D सरफेस किसी पॉइंट पर जो एंगल सबटेंड करेगा, 2D सरफेस तो नहीं कह सकते हैं, आर्क कह सकते हैं, इसमें सरफेस नहीं कहना चाहिए, 2D कर्व ओ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है एंगल ऑफ प्लेन है, और 3D सरफेस ओ पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है उसे हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ सॉलिड कहेंगे. दैट्स ऑल. इसी इसका फार्मूला आगे कुछ है, देखिए. बड़ी सुंदर सुंदर घटनाएं हैं इसमें. हा नेक्स्ट, व्हाट द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ एंगल ऑफ सॉलिड. यस, मैथमेटिकल पार्ट ऑफ, मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल फेस कटिंग ऑफ एंगल ऑफ सॉलिड. लुक हियर, देखिए आप क्या है मैथमेटिकल पार्ट. अच्छा कैसे बता दें, ठीक है. लेट दैट this is a सरफेस एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. चलें भाई मानते हैं. अच्छा इसको हम थोड़ा सा रोटेट करा के ऐसे कर दिए, ऐसे कर दिए, यही है एक ही चीज, ऐसे था ऐसे कर दिए. अच्छा इसको रोटेट कर दिया गया. हाँ ध्यान दे. एंड लेट दैट दिस इज ए ओरिजिन पॉइंट एंड दिस इज ए रेफरेंस पॉइंट एंड दिस इज ए पार्शियल आर स्मॉलर एंगल ऑफ सॉलिड व्हिच वैल्यू इज डी ओमेगा इज ए मिनिमम वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ सॉलिड. नेक्स्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन द लेट दैट दिस पॉइंट इज पी एंड ज्वाइनिंग लाइन ओ एंड पी इज ओ पी
अच्छा एंड द सरफेस एरिया ऑफ दिस डॉटेड और अनडॉटेड सरफेस इज डी ए, डी ए डी ए जो है ए का पार्ट होता है, लेट दैट ए इज द मैक्सिमम एरिया वाला, इस एरिया में से छोटा सा हिस्सा अगर सेलेक्ट कर देंगे इसे हम डी ए कहते हैं, मीन डी ए इज ए माइनर पार्ट ऑफ ए मेजर पार्ट कैपिटल ए, कैपिटल ए का एक छोटा सा हिस्सा जो होगा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड का इतना हिस्सा तोड़ के निकाल लें, हालांकि ऐसा करें नहीं है, तो उसे हम क्या कहेंगे डी ए कहेंगे, उसका एक पार्शियल हिस्सा क्या कहलाएगा डिफरेंट एरिया, पूरे एरिया का एक छोटा सा पार्ट इसका डी ए कहलाएगा, छोटा पार्ट कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डी ओमेगा, डी ओमेगा जो है या एक स्मॉलर एंगल ऑफ सॉलिड है, चल और डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड पी इज स्मॉल आर, अच्छा एंड द यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ सरफेस डी ए, यूनिट वेक्टर ऑफ इस डी ए सरफेस का, डी ए सरफेस का ओपी के अलांग, ओपी के अलांग एक यूनिट वेक्टर हम कंसीडर करते हैं अपना उल्लू सीधा करने के लिए, आर कैप, आर कैप, अच्छी बात। अच्छा मान लीजिए कि अब हम इसको थोड़ा सा ऐसे, पहले था ऐसे था एरिया का डायरेक्शन ए था, ऐसे इसको ऐसे कर दिए रोटेट करा के, ऐसे कर दिए तो मौके पे जो पहला पोजीशन है एक इमेज है और रियल पोजीशन ए है, ये हो जाएगा आपका ए दिस, ये आपका है डी ए, क्या है डी ए, आप कहेंगे ये क्या है, एक बार डी ए यहां लिखे हैं, ये डी ए तब लिखा गया है, डी ए तब लिखा गया, चलो हम डी ए डॉटेड लिख देते हैं, आप लोग सोचेंगे क्या कर दिए सर, अच्छा चलिए ठीक, यहां पे डी ए, डी ए जब यहां पे ये सरफेस ए, ए सर्किल ऐसी थी, ऐसे ऐसे रखी गई, ऐसे इसका सरफेस एरिया इधर था, घुमा दिए तो सरफेस एरिया ए हो गया, अब आप सोचेंगे कितना घुमा दिया, आप लेट दैट रोटेटिंग एंगल एस थीटा, इस लूप को, इस एरिया को हम थीटा एंगल इधर रोटेट करा दिए तो आप देखेंगे तो डी ओमेगा कैसे मिलेगा, आप कहेंगे कि सर डी ओमेगा तो डॉटेड के थ्रो सबटेंड एंगल है, हमें डॉटेड के थ्रो सबटेंड एंगल चाहिए, आप अनडॉटेड सर्कल को क्या करेंगे, इस एरिया को, इस सरफेस को क्या करेंगे, इस सरफेस को, इस सरफेस को डी ए को, डी ए को हम आर के डायरेक्शन में तोड़ रहे हैं, डी ए को आर के डायरेक्शन में हम यहां से तोड़ के बताते हैं, लेट दैट दिस इज एंड दिस इज, दिस इज डी ए, दिस इज आर डायरेक्शन, दिस एंगल इज थेटा, यहां से इस पे नॉर्मल ड्रा कर दीजिए, दिस एंगल विल बी 90, दिस लाइन शोस टू बेस, ए बेस लाइन है, बेस लाइन है 90 एंगल के सामने वाले लाइन को हाइपोटेनियस, बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशनशिप कौन एस्टेब्लिश करता है, कॉस, यू हैव नो दैट बेस इक्वल टू बेस लाइन इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, बेस लाइन इक्वल टू हाइपोटेनियस इंटू कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में अगर हम लेके चलेंगे तो इसका एक पार्ट, अगर डी ए का एक पार्ट अगर इस डायरेक्शन में लेके चलेंगे तो इस डायरेक्शन में इसका एक पार्ट होगा डी ए कॉस थीटा, तो डी ए को मैथमेटिकली अगर हम इधर तक तोड़ेंगे तो डी ए एक हाइपोटेनियस लाइन है, यहां से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दें ऐसे 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 90 के फ्रंट की साइड क्या हाइपोटेनियस, ए बेस, तो बेस इक्वल टू हाइपोटेनियस वेक्टर, हाइपोटेनियस वेक्टर इनटू कॉस थीटा, इनटू कॉस थीटा, तो यहां पे डी ए कॉस थीटा अलॉन्ग द आर कैप, अलॉन्ग द आर कैप, और हमें चाहिए भी अलॉन्ग द आर कैप, चूंकि अलॉन्ग द आर कैप डॉटेड सरफेस का यूनिट वेक्टर है, तो डी ओमेगा इक्वल टू, नाउ अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन डी ओमेगा इक्वल टू वेक्टर डी ए,
डॉट वेक्टर आर कैप वेक्टर डीए, वेक्टर डीए, अब आप देखिए वेक्टर डीए, यहाँ पे वेक्टर डीए जो है ये आपका वेक्टर डीए इस डायरेक्शन में सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया, इसे हम कहेंगे एरिया वेक्टर, डॉटेड के एरिया वेक्टर भी होगा। एक मिनट, बिना समझाए कंप्लीट मानना नहीं है। तो ये डॉटेड का सरफेस एरिया, डॉटेड का सरफेस एरिया वेक्टर डीए, और इसी डायरेक्शन में हम इस सरफेस का एक यूनिट वेक्टर कंसीडर किए हैं आर कैप, आर कैप एट वेक्टर डीए, या वेक्टर डीए और आर कैप अगर स्केलर कर दें, स्केलर कर दें तो हमारे हाथ लगेगा यहाँ पे, इसको आर से स्क्वायर से डिवाइड कर दें, रूल है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू कि डी ओमेगा इक्वल टू वेक्टर डीए डॉट वेक्टर आर कैप, आर यूनिट वेक्टर आर कैप अपान आर स्क्वायर। यू हैव नो दैट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, बिहाफ ऑफ दैट फार्मूला यू कैन राइट मेरे भाई डी ओमेगा इक्वल टू डी ए इंटू आर कैप का यहाँ पे मॉड है, मॉडुलस है कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर। व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ आर कैप? वन, बिकॉज द मॉडुलस ऑफ आर कैप यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है? वन होता है। Finally, you can write this d omega equal to dA upon r square. अब आप कहेंगे सर cos theta कहाँ खा गए आप? देखें, जब यहाँ पे r cap और dA same direction होंगे तो same direction में theta will be zero and cos zero degree equal to one. So at फाइनल यू विल ऑब्टेन ए वेरी गुड फार्मूला डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ओमेगा इक्वल टू डी ए अपान आर स्क्वायर, डी ओमेगा इक्वल टू डी अपान आर स्क्वायर। सो दैट इसके बाद यूनिट क्या है या मैक्सिमम वैल्यू, व्हाट इज द नेक्स्ट आपका है स्टार लगा थोड़ा बताया जाए, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी ओमेगा, डी ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा डी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा रिटेन होगा, सो ओमेगा इक्वल टू डी ए या ए लिख दें अपान आर स्क्वायर, अपान आर स्क्वायर, वेयर ए जो है किसी स्फेयर का या गिवन स्फेयर का क्या है सरफेस एरिया है 4πr² ओमेगा इक्वल टू 4π, चूंकि आप जब भी क्यूब एंगल का हमें वैल्यू फाइंड आउट करना होगा मैक्सिमम वैल्यू, तो आपको बताए थे कि ये जो पार्ट हैं, ये जितने पार्ट हैं ये सॉलिड स्फेयर, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है, स्फेयर का हिस्सा होता है, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है पार्शियल। तो स्फेयर एक कंप्लीट स्फेयर के लिए, एक कंप्लीट स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4πr² होता है, और यहाँ पे r square क्लीन बोल्ड 4π, एंड द यूनिट ऑफ ओमेगा इज स्टेरेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगल ऑफ क्यूब आर सॉलिड एंगल, आर सॉलिड एंगल, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, एक मिनट, दो, दैट्स ऑल, आज बस इतना ही, रिमेनिंग टॉपिक एट टुमारो, दैट्स ऑल, वेरी गुड, हैव अ नाइस डे।